मनपा ने खुली हुई दुकानों पर की कार्रवाई। मनपा ने 9 दुकानों को किया सील। मनपा कार्रवाई में लोगों की हुई भारी भीड़। कार्रवाई के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में एक बार फिर बढ़ते कोरोना की वजह से मनपा ने सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी है, मगर आज शाम के वक्त मनपा 7 बजे के बाद जो दुकानें खुली थी उन पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान आर पाटिल किराना स्टोर सहित 9 दुकानों को मनपा ने सील किया है। ये कार्रवाई संजय नगर से लेकर शिमला पार्क तालाब तक की गई है। मनपा के अधिकारियों ने बताया कि मुंब्रा में बढ़ते कोरोना की वजह से ये कदम उठाया गया है। कार्रवाई के दौरान लोगों की काफ़ी भीड़ भी देखने को मिली और ये भीड़ काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि मनपा जहां कोरोना रोकने के लिए दुकानों के खुलने का समय सीमा तय कर रही है, वहीं कार्रवाई के दौरान इस तरह की भीड़ और भी भयानक संक्रमण फैलाने का काम कर सकती है। इस कार्रवाई में सहायक आयुक्त सहित धनंजय गोसावी और जितेंद्र साबले ने खुली हुई दुकानों पर कार्रवाई की और कार्रवाई को लेकर मनपा अधिकारी ने क्या कुछ कहा है सुनिए। कितने तारीख से कितने तारीख तक का ये जो है बंद करने की अनुमति दी? अभी फिलहाल के जो नियम है उनके अनुसार 7 बजे तक अलाउड है। शासन के द्वारा अगले जो नियम रहेंगे उसके हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं आगे की कार्रवाई करेंगे। दुकानें जो दंडात्मक कार्रवाई रहेगी, नहीं तो सील करने की कार्रवाई रहेगी दुकानें वगैरह हम कर देंगे। सर आज कितने दुकानें वगैरह कुछ सील की गई है, कुछ डिटेल है इसका? अप्रोक्सीमेटली 9 शॉप्स है ऐसे। कार्रवाई के दौरान देखा गया काफी भीड़ भी इकट्ठा हुई और आप लोग खैर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भीड़ जो इतनी हो रही है ये भी एक चिंता का विषय है, तो इसके लिए क्या आप लोग उपाय करेंगे कार्रवाई के दौरान भीड़ ना हो? वही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो कार्रवाई की जा रही है वो कोरोना को देख के की जा रही है, तो फिलहाल ऐसी भीड़ जमा होगी तो जो कार्रवाई का मतलब है वो सही नहीं हम पा सकते। तो विनती है कि कार्रवाई के दौरान प्रशासन की कार्रवाई तो शुरू रहेगी, इतना भीड़ इकट्ठा होने की लोगों ने भी इकट्ठा होने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये कार्रवाई आगे भी चालू रहेगी। तो आपसे सबको विनती है कि ऐसी भीड़ ना किया करो करके। सर एक आखिरी सवाल रहेगा कि आपने आज जो दुकानें सील की है तो इनके ऊपर आपकी तरफ से क्या कलम से कुछ होगा कि फाइन भर के इनकी कल दुकानें खोली जाएगी, इनको वार्निंग दी गई है, एक मौका दिया जाएगा? वो अभी कैसा है कल सुबह जो दुकानें की सील की है
उसका एक रिव्यू होगा, बाद में वैसे हम डिसाइड करेंगे जो कार्रवाई रहेगी वो की जाएगी। सर ये जैसा कि आप लोगों ने दुकानों पे तो कार्रवाई कर ली, बट जो फुटपाथ पे जो हॉकर्स लोग हैं उन लोगों के लिए फुटपाथ पे अपनी रोज कार्रवाई चलती रहती है और आगे भी वही चलती रहेगी।